ये जो बीपीएससी है वो काफ़ी करप्ट है, काफ़ी क्या कम्प्लीटली करप्ट है। तो हम लोग बस यही मांग रहे हैं कि सीएम सर हम लोग को अपने अंदर एक कमेटी ऑर्गेनाइज करें, ठीक है, फिर जो बीपीएससी 67 हुआ है उसको क्लीनली सुपरवाइज करें और उसके बाद एक नया रिजल्ट ये करें। इतना कट ऑफ नहीं जा सकता है कि जब पेपर लीक हुआ था तो 108 ही गया था, ठीक है, तो इसमें तो हुआ था कि पेपर भी लीक नहीं हुआ है और क्वेश्चन इतना इजी नहीं था कि आप 113 आया होगा, 120 मानती हूँ मैं, लेकिन बहुत कम बच्चों को आया होगा। ऐसा नहीं है कि सबको 113 120। बातें तो हम लोग रखेंगे ही, जब बातें रख लेंगे क्या क्या बातें हुई हैं तब आकर आपको बताएंगे, लेकिन मेरा हम लोग का बेसिक जो है संरक्षा यही है कि हम लोग उनसे एक मतलब प्लीट करेंगे कि आप एक अपने अंदर एक कमिटी ऑर्गेनाइज कीजिए और उसमें आप विशेषज्ञों को रखिए, स्पेशलिस्ट को रखिए, एंड देन आप सारे एग्जाम को री एवेलुएट कीजिए और उसके बाद हम लोग को एक नया रिजल्ट पब्लिश कीजिए, ना इनको नहीं उनको नहीं कुछ भी नहीं, एक नया रिजल्ट पब्लिश कीजिए। 8 क्वेश्चन हटाना है, 10 क्वेश्चन हटाना ही आपको करना है, लेकिन आपको ईमानदारी से ऑनेस्टली ये काम करना है। जी हाँ, ये हम ये मांग करेंगे कि जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज, छात्रों की संख्या बढ़ रही है, उसी हिसाब से सीट जो है उसी हिसाब से बढ़ना चाहिए, प्रोपोर्शनेट ये सिलेक्शन होना चाहिए और बीपीएससी को 20 गुना रिजल्ट देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि छात्र जो है 6 लाख बढ़ गए हैं, उसी हिसाब से 10 गुना की जगह 20 गुना रिजल्ट देना चाहिए। लगातार कहते रहे हैं कि पक्ष परीक्षा नियंत्रण जो है हाँ हटाया जाए, तो क्या आप मुख्यमंत्री से भी मिलकर इस बात को रखेंगे आप? हम ये बोलेंगे कि एक्सपर्ट कमेटी को ये समय के साथ जो है उनका जीर्णोद्धार होना चाहिए और समय के साथ क्वेश्चन जो पैटर्न भी है ना बीपीएससी का वो सिलेक्ट होना चाहिए, वो सही होना चाहिए और उसके बाद फिर जो है निगेटिव मार्किंग जो होना है वो सारे क्वेश्चन पे होना चाहिए। तो छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में ये 20 लोगों की टीम है जो अब मुख्यमंत्री आवास जाएगी, सीएम नीतीश से मुलाकात करेगी। थोड़ी देर पहले यहाँ पर हजारों की तादाद में बीपीएससी के अभ्यर्थी यहाँ पर जमा हो गए थे, पुलिस की बैरिकेडिंग भी थी और देखिए किस तरीके से ये डेलीगेट जो है वो तैयार हो रही है। अब यहाँ से ये लोग अंदर जाने वाले हैं, इधर का नज़ारा आप देखेंगे तो ये राजभवन हो जाता है, दूसरी तरफ सीएम आवास है। और आज सुबह से बीपीएससी के तमाम जो अभ्यर्थी थे वो बीपीएससी कार्यालय के ठीक बाहर खड़े थे, लेकिन उनकी बात को नहीं सुना गया, तब ये सभी आक्रोशित होकर यहाँ पहुँच गए और पुलिस ने इन्हें रोकने की कई बार कोशिश की, इसके बावजूद ये यहाँ तक पहुँच गए। और अब अंदर से मुख्यमंत्री आवास से ये सूचना भेजी गई कि 20 लोगों की टीम जो है वो अंदर आए, वो अंदर आकर के बात करे, टीम तैयार है, अब ये सभी लोग अंदर जाने वाले हैं। छात्र नेता दिलीप की अगुवाई में ये पूरा महा आंदोलन जो है वो सुबह से चल रहा था, अब देखना होगा अंदर क्या कुछ बातचीत होगी, हम आपको उन खबरों से अपडेट कराएंगे। आप बने रहें द बिहार टॉप के साथ, धन्यवाद।